किसानों को नहीं मिलेगा 10वीं किस्त का पैसा, जानिए आप भी इस लिस्ट में तो नहीं। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला विश्नानिया और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए नई दिल्ली की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जल्द 10वीं किस्त जारी होने वाली है। केंद्र सरकार दिसंबर 2021 में कभी भी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए भेज सकती है, तो खाते में नहीं आएगी अगली किस्त। यह जरूरी नहीं है कि आपको भी पीएम किसान योजना का लाभ मिले, हो सकता है आप भी उन 75 लाख किसानों में शामिल हो जिनके खाते में पिछली किस्त नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9वीं किस्त के तहत करीब 67.72 लाख किसानों की पेमेंट अटक गई थी, जबकि 7.27 लाख किसानों का पेमेंट फेल हो गया था। हो सकता है आपने कोई गलत जानकारी दी हो या किसी कागजात में कोई गलती हो। अगर ऐसा है तो आपके खाते में अगली किस्त नहीं आएगी। अक्सर इस तरह की होती है गड़बड़ियां। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। याद रखें कि आपने अपना नाम अंग्रेजी में लिखा हो, हिंदी में नाम लिख दिया है तो उसे ठीक कर ले। आपके आधार कार्ड की जानकारी बिल्कुल सटीक हो, इसी तरह बैंक खाते की जानकारी देते समय कोई गड़बड़ ना करे। अकाउंट नेम में स्पेलिंग की गड़बड़ी ना हो, आपके गांव की स्पेलिंग ठीक हो। अगर इसमें से कोई भी गलती हुई हो तो आपके खाते में 2000 रुपए नहीं आएंगे। अपात्र होने पर नहीं मिलता है फायदा, वहीं अगर आप योजना के लिए अपात्र हैं तो भी आपके खाते में रुपए नहीं आएंगे। योजना के लिए पात्र होने की कुछ शर्तें हैं। आप किसान होना चाहिए, आपके पास खेती लायक जमीन होनी चाहिए, आपके परिवार में कोई आयकर न भरता हो, परिवार में पति पत्नी अवयस्क बच्चे गिने जाएंगे, आप सरकारी नौकरी नहीं करते हो, आपको सालाना 10,000 रुपए पेंशन नहीं मिलती हो। गलतियां ठीक करने का यह तरीका, पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाए। यहां आपको फार्मर कॉर्नर दिखेगा, इसमें जाकर एडिट आधार कार्ड फेल्योर रिकॉर्ड पर क्लिक करें। इसमें आधार नंबर ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर आपने खाता संख्या गलत लिखी हो तो उसमें सुधार के लिए आपको कृषि विभाग कार्यालय या लेखपाल से संपर्क करना होगा। छोटी बड़ी ताजा खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।